बुरहानपुर जिले में आज भीम आर्मी के तत्वावधान में जन सुनवाई के अंतर्गत एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप और एट्रोसिटी एक्ट द्वारा मिलने वाली सहायता राशि पिछले 2 साल से नहीं मिली है। उन्होंने स्कॉलरशिप जल्द से जल्द मिलने को लेकर की कलेक्टर से मुलाकात की है। इसके साथ ही बुरहानपुर जिले के उपनगर लालबाग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विलम्ब करने की भी बात कही। भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का कार्य जल्द शुरू किया जाए, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे आए दिन से चले हैं किसी मामले को लेके, क्योंकि हम लोगों के सुनवाई हम खाली गेट तक ही सीमित हो गए। क्या हम कब तक देंगे? यहाँ इन छात्र का भविष्य फेरी की ओर ढकला जा रहा है। खाली क्या एससी के पदों का ही किया जा रहा है ऐसा? हमारी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, एट्रोसिटी एक्ट का पैसा नहीं। भीम आर्मी के तत्वावधान में माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति विगत 2 वर्षों से जो है भुगतान शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके बारे में कई बार विद्यार्थियों द्वारा अपील की गई, परंतु कहीं ना कहीं उनके अधिकाधिकार इसी मार्ग प्रधान में आज्ञा देकर प्रशासन को यह आगाह किया है कि जल्द से जल्द तुरंत अविलंब होकर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करे, अन्यथा चुनाव का कहाँ के विद्यार्थी है या सभी छात्र